दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय चाणक्य IAS अकेडमी 29 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एवरी ईयर 5000 प्लस सिलेक्शंस इन IAS IFS IPS एंड अदर सिविल सर्विसेज सो फार फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट 7303763540। सुंदरनगर की ग्राम पंचायत बरोटी के सोहर गांव में शरारती तत्व द्वारा गांव में 3 दिन के भीतर 3 घास भंडारों को फूंक डाला है। गांव के जगदीश चंद, मनीराम और हेमराज के घास के भंडार जलकर राख हो गए हैं। इससे पूर्व कई दिन पहले भी एक घास के भंडार को आग के हवाले किया गया था, जिसकी पुलिस जांच कर ही रही है। ग्रामीणों ने घास के भंडारों को आग लगाने को लेकर गाँव के ही एक व्यक्ति पर संदेह के आधार पर मामला दर्ज करवाया है। DSP सुंदरनगर दिनेश कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। मैं जगदीश चंद, वार्ड सदस्य सोहर, ग्राम पंचायत बरोटी का रहने वाला हूं। कल रात पवन कुमार, सपुत्र श्री कृपा राम, शराब के नशे में हमारे घर से निकला और जोर जोर से गालियां दे रहा था। उसके तुरंत बाद ही हमारे 50 मीटर की दूरी पर घास का कोठा था, तो 5 मिनट के बाद ही हमारे को किसी का फ़ोन आया कि आपके घास के कोठे में आग लगा दी है। जैसे ही हम मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि सारे घास को चारों तरफ से आग लगी हुई है। हमने पवन कुमार को पकड़ने की कोशिश की और पवन कुमार वहां से भाग गया। तो इससे पहले हमारे गाँव में 4 और कोठे घास के जलाए गए थे इन 15 दिनों के बीच। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको पुलिस के शिकंजे में किया जाए। दिव्य हिमाचल TV के लिए डहर से गगन शर्मा की रिपोर्ट।